आ किसी समय परे मुख्यमंत्री अभियोग शुणी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में अभियोग शुणाई सका लगी लोकों भिड़ लोक मैंने समस्या नहीं मुख्यमंत्री को गुहारी करने को आई सका नौटू आरंभ हो पंजीकरण 16 वर्ष है लोक मैंने समस्या मुख्यमंत्री को जनई पार आज अभियोग शुणा बेले मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल अन्य सदस्य मैंने उपस्थित रहेंगे प्रति सोमवार दिन अभियोग शुणा करेंगे मुख्यमंत्री भिन्नक्षम वृद्धों पर स्वतंत्र पंजीकरण व्यवस्था होोल वर्ष मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ माड़ नथिले नवीन पटनायक कुमास्ता हाथ को चली जाइथला शासन ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन रही स्निग्ध 16 वर्ष परे आज हेबो मुख्यमंत्री अभियोग श्रेणी प्रकोष्ठ में शुणा मुख्यमंत्री आसवे अन्य मंत्री माने भी उपस्थित रहेंगे लोकों समस्या संपर्क में अवगत हे और समाधान करने को चेष्टा कर तो प्राय वर्तमान सुधा जब खबर प्रकाश पाला कि मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ शुणा शिविर खोलला और निजे मुख्यमंत्री शुणे ग्रीवांस तो प्राय के लोकर बर्तमान भिड़ मैंने देखा मिली कौ कौ समस्या धरी आसी निश्चित भाव में आप जानते आज मुख्यमंत्री लोक अभियोग शुणे से नहीं कि रजिस्ट्रेशन सरी जो भाव में 300 ऊर्ध अभियोगकारी नाम पंजीकरण कर सारी एनेकि आम आलोचना करवा कहीं दीर्घ वर्ष हे जे पूर्व सरकार थे जे से माटी माड़ी नथिले अभियोग प्रकोष्ठर माटी माड़ी नथिले तेबे मोहन माझी सरकार एवं मुख्यमंत्री आज आसुछंती एवं जोड़ी भाव में लोक मान अभियोग शुणे आज्ञा आप दीर्घ वर्ष है जे अभियोग प्रकोष्ठर माटी माड़ी नथिले जे पूर्व जे सरकार थिले एथर आप आसीछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आप अभियोग शुणे कौन सब अभियोग आज्ञा आज खुशी लगुच्छे गोटे अभियोग प्रकोष्ठ को आज आम आसीपारी 24 वर्ष पर आज्ञा बहुत दिन आम चेष्टा कर प्रकोष्ठ को आसवाई आज्ञा मु जन स्कूल एंड मास जन कर्मचारी आज्ञा मुझे 30 वर्ष कम कली आज्ञा 5 वर्ष है आम दरमा ना कि आम डीए ना कि इनक्रिमेंट किसी ना आज्ञा आम रिटायर करने को गलु बसलु बहुत रिटायर करूँ कि नुआ पैसा आमको डिपार्टमेंट देलुनि जिते बड़े फाइल गला थर्ड फ्लोर मना करदेला थर्ड फ्लोर मना कर सेक्रेटरी मैं जनइलु कलेक्टर को जनइलु स्कूल डायरेक्टर को जनइलु मुख्यमंत्री भी जनइलु पांडियान सर भी आई जनइलु कोटारे किंतु किसी आज्ञा है समस्त मना करदे थर्ड फ्लोर मना कर थर्ड फ्लोर ही आम ब्लड प्रेसर बाहरी गला आज्ञा आज लास्ट कल खबर पे आज आम ग्रीवांस आसू आज अनुरोध करूँ जगन्नाथ किसी शुणे कि मुख्यमंत्री किसी शुणे भरोसा आज आम ये बसचु आज्ञा निश्चित भाव में लोक मान जो भाव में दीर्घ वर्षर जो अभियोग से अभियोग प्रकोष्ठ को आसिक शुणे पार नते आज मुख्यमंत्री को निजे अभियोग शुणे आज्ञा आप कौटू आई दीर्घ वर्ष आप अभियोग प्रकोष्ठ को आसी पार नते कहीं मुख्यमंत्री निजे जे पूर्वतन मुख्यमंत्री थे सी आसू नते अभियोग प्रकोष्ठ मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री को हार्दिक अभिनंदन एवं मो तरफ बहुत प्रणाम जनाऊँगी एत सुवर्ण सुजोग दे आत्महरा हो जाए भावी नुले आम मुख्यमंत्री को देखा करूँ भुवनेश्वरवासी किसी समस्या नहीं कि आसी जोटा कि साधारण समस्या आमर स्वच्छ अभियान चली कि भुवनेश्वर बहुत टी पचरे लगुच मत इवेन भुवनेश्वर भी लोक मैंने रास्त झाड़ फेर परिश्रा जाऊ गए बढ़िया दरकार कहीं पल्यूशन जो हूँ टेम्परेचर कम बढ़ी कमी जाऊँगी बढ़ी जाऊँगी बहुत फेस विशेषकर से ही प्रोब्लम नहीं आसी विशेष तो मुख्यमंत्री को देखा करी से सुजोग से मु बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद कौट आसी मुझ कंटापड़ कटक जिला कंटापड़ आम गोष्ठी संबल शिक्षक शिक्षयित्री भिन्नक्षम पिला शिक्षा दान कर 18 वर्ष है कि आम स्वल्प दरमार चाकरी करमर मैंने शुणु ना आम भी प्रोटोकल भांगी जापारूँ ये मान्यवर सरकार यही सुजोग आम आसीपारू ये गोटे भिन्नक्षम पिला जेकि अटिस्टिक तार से बहुत सीभीयर था एवं डेभलप हो बर्तमान मुख्य स्रोत सामिल है पेन स्टाण्ड आनी देख करगज वेस्ट रियूज पेन स्टाण्ड कर मान्यवर मुख्यमंत्री को सीटा भेटिदेव बोली आसी आउ देख से जो पेन स्टाण्ड आेटिदेव से गोटे इंडस्ट्री करेंगे बोली ये गोटे पानी बोतल रे देखो पानी बोतल रे पेन स्टाण्ड कर तारा खुशी जे मान्यवर आज मुख्यमंत्री को एटा देबे आज्ञा मुख्यमंत्री को से दबो खुशी हे निजे कहूँ से कहला कम्युनिकेशन करूँ ना आखिकी चाहू ना
ପୋକ ଜୋକ ଚକଟୁ ଥିଲା, ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ନିଜକୁ କାମୁଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ତାର। ସିଏ କହୁଛି କି ମୋର ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ତେଣୁକରି ସିଏ ତାର କହୁଛି କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବି। ଏଇଥିରେ ସେ ଏକଦମ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ବି ହବ। ତେଣୁକରି ସିଏ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର ଆଉ ଇଏ କରିବି। ତା ସହିତ ଆମର ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ରେଗୁଲାର ପାଇଁ ମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସରକାର ଥିଲେ, ଯେ 16 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି ମାଟି ମାଡି ନଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଶୁଣେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ସାର୍, ମୋର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏହି ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋ କୌଣସି କଥା ମୋର ଶୁଣିନଥିଲେ। ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା। ଆଜିକୁ 2000 ମସିହାରେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟିଚର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 2024 ହେଲାଣି, ଲଢ଼ି 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 ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖାଲି ପଇସା ମାଗିଲେ। 4-4 ମୋର ଝିଅ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ କି ମୋତେ କୌଣସି ରିହାବିଲେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ସାର୍। ତେଣୁକରି ଆଜି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେଇବେ? କୋରଡ଼ କଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ମୋ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ଲୋକ ଦଲାରେ କରି ସେ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, 5 ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ ନାଁରେ 4.5 ଗୁଣ୍ଟୁ ଜାଗା କରିଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଗୁଳୁକୁ କରି ନେବାକୁ ବେଦଖଲି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇବେ ଆଜି। ହଁ, ଆସିଛି ତ ସେଇ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଖୋଲିଲା ଏବଂ 9:00 ପଞ୍ଜୀକରଣ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ନିଜେ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ନିହାତି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ।